2020 से 2021 आ गया, लेकिन कुछ नहीं बदला। बदला है तो सिर्फ एक मास्क पे दूसरा मास्क फ्री। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ लंच बनाने के साथ साथ। तो मॉम लंच बना रही है और बनाया है मसाला भिंडी और साथ में बना रही है मॉम दाल। और याद होगा दीदी के घर से मैं ये कोचू शाक लेके आई थी, अरवी के पत्ते, बस उस आज साथ में वो भी बनेगा। तो मम्मी वॉश करके अभी इसको बनाएगी। तो किस तरीके से बना रही है मेरी मॉम वो भी मैं शेयर करते जाऊँगी। तो वॉश करके ये मैंने डाल दिया है मिक्सी के जार में। अच्छा खासा क्वांटिटी में लेके आए थे हम लोग, और बनाने के बाद एक साथ बना लो और दो तीन दिन तक रख के खाओ, अच्छा ही टेस्ट आता है उसमें। तो अभी हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे, और साथ ही साथ हमने दो प्याज और कुछ लाल सूखी लाल मिर्च और एक टमाटर और थोड़े से मस्टर्ड सीड्स भी हम इसमें डाल देंगे। तो अच्छे से इसको ग्राइंड कर देंगे। और अब मॉम ने चढ़ा दी है कढ़ाई, और वही भिंडी वाली कढ़ाई ही चढ़ा दी, अलग से कढ़ाई नहीं लिए है। तो उसी में डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाना बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत मतलब स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो बस ये जो पेस्ट बनाया था हमने साग का वो डाल दिया है इसमें, और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी। और जार में अभी और भी है, तो अभी मैं उलट दूंगी सारा का सारा साग जो है वो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। और अब धीरे धीरे इसको पकने देना है जैसे नॉर्मली हम कोई मसाला पकाते हैं। तो इसमें बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा हम चीनी भी डालेंगे और थोड़ा सा डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और नॉर्मली जो मसाला हम बनाते हैं उसी तरीके से धीरे धीरे अच्छे से पका लेंगे। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। रेडी है अभी डॉक्टर के पास जाने के लिए। एक्चुअली क्या है कि लड्डू की कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे होम रेमेडीज़ कर लिए और डॉक्टर को भी दिखाते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अभी एक डॉक्टर को, मतलब जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, उससे हमने ओवर फोन कंसल्टेशन ली थी, लेकिन फिर भी मतलब वीक के बाद जो दवाइयाँ लिए एक वीक के लिए ली उसके बाद, लेकिन तब भी उसका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। तो अभी उसको दिखाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो अभी रेडी हुई हूँ मैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है, देखो इतना पसीना पसीना पसीना। तो अभी हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि 1 से 5 बजे तक का टाइमिंग है डॉक्टर का, और ऑलरेडी 3 बजने वाले हैं। हाँ, ऑलरेडी 3 बजने वाले हैं। तो हम निकलेंगे अभी, और कल तो रमेश को पिक करूँगी और फिर हम लोग निकलेंगे। माँ को पकड़ के लेके चलो, जाओ हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो बेटा। 2020 से 2021 आ गया, लेकिन कुछ नहीं बदला। बदला है तो सिर्फ एक मास्क पे दूसरा मास्क फ्री।
वो तो खुशी देखो कहाँ है हमारी गाड़ी, गाड़ी में लेके चलो, हमारी गाड़ी में लेके चलो, चलो वहां पर है, चलो चलो चल कैसे दौड़ता लेके चलो लेके चलो। ओ तुमने देखो अनलॉक किया तो ओ कर रहा है, किसने खोल दी गाड़ी, चलो 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 गाड़ी खोलो, बैठ जाओ गाड़ी में, हाँ चलो उधर नहीं गया इसने सीधा इधर। अरे बाबली, अरे बाबली कितना खुश है, जल्दी चलो चलो धीरे 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 चलो चलो चलो। अरे बाबली पता है ये लड्डू की गाड़ी है, चलो 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 चलो। सीधा राइट में गए जा करके पूरा यूं करके गाड़ी की तरफ देखा। मम्मी ये बता रही है कि हम पार्किंग में जब गए तो इसने पहचान ली कि हमारी गाड़ी ये है, मतलब इसको इतनी समझ है अभी से ही। और फिर मम्मी ने अनलॉक करी तो कह रहा ये क्या हो गया, ये किसने अनलॉक कर दिया हमारी गाड़ी को। बेटा ढीला हो जाएगा ये, क्या है ये देख इसका हालत देख, क्या किया है तूने, ये देख पूरा हिल गया, ये देख ये देख पूरा पूरा हिल गया ये। बेटा बख्श दे, पापा आएंगे ना, पापा थोड़ी है, पापा डांटेंगे, थोड़ी है, बस कर बस कर। किसको भूल रहा है तू, क्या है ये, ये क्या है ये, कान में कुछ घुस रहा है, कुछ घुस रहा है कान में, कुछ कुचला है तुम्हारे, आ गया लड्डू लड्डू कहना, ओ लड्डू लड्डू भगवान। बेटा एसी चल रहा है, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर कर बेटू, आप मार आप मार लड्डू, पापा को मिच कैसे करते हो, लड्डू पापा कहाँ चले गए, ओ लड्डू लड्डू दोष कहाँ चला गया, पापा कहाँ है, पापा है लड्डू, इधर ही आ जाओ इधर आ जाओ जल्दी चलो डॉक्टर, देखो एक टकला दूसरा टकला दो दो टकले टकलू 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 दो टकलू इतनी गर्मी के वजह से ना थोड़ा बाप बेटे टकले। डॉक्टर से होने के बाद हम लोग अभी मार्केट में ऐसे आ गए थे इंदिरापुरम में, सच में बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करने में, चाहे वो ग्रोसरी हो या एनी अदर थिंग। सच में यहाँ मैं 22 साल रही हूँ और मुझे पता है यहाँ पे चप्पा चप्पा पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है आप अगर सुई से लेके हीरा ढूंढोगे सब यहाँ पे अवेलेबल है, तो काफ़ी मतलब कंफर्टेबल फील होता है यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगता है अपनी पुरानी जगह पर आकर। तो साथ ही साथ हमने कुछ आम ले लिए हैं और ऑल्सो ये हम लोग एक शॉप देखी थी हमने, काफ़ी अच्छी लगी, तो यहाँ पे हम लोग ना कुछ बढ़िया देख रहे हैं और कुछ मूंग और मसूर की मिक्स्ड बढ़िया लिए हमने, अच्छा लगता है ना कुछ दोपहर के खाने में कुछ लिक्विड सब्जी के साथ कुछ ऐसे चौचरी टाइप बड़ी डाल के बनाओ, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये बस मॉम ने ये लिया है, बहुत सारी और चीज़ें थी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स दालें मसाले, लेकिन हमें कुछ और समझ नहीं आया। हाँ पापड़ लेने की सोच रही थी बट जो यूजुअली हम लोग खाते हैं वो नहीं था। रमेश आम की तलाश में वाली वाले आगे भी है। हाँ वो मैंगो शेक वाले मिल पाए ना, वो नहीं मिले, दशहरे वाले नहीं, दशहरे वाले आम नहीं मिले यहाँ, लाइन से आम ही आम आम ही आम, यहाँ दूर दूर तक आम ही आम। नारियल पानी पियोगी, नारियल पानी
वहाँ लगता है, मम्मी वहाँ लगता है सही आम नहीं मिले। सीधा जाना, सीधा ये आम लेने जा रहा है, वहाँ पे रैम वॉक करने जा रहा है मॉडलिंग। मम्मी लड्डू है? नहीं ये तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा लड्डू है। अरे भैया ये तो लड्डू लग ही नहीं रहा, गाड़ी में है, इतना शांत बैठा हुआ है। तो रास्ते में बेकिंग सप्लाई स्टोर भी मिल गया था, ये वही शॉप है जहाँ से मैं हमेशा लेके जाती हूँ बेकिंग से रिलेटेड कोई भी सामान, और उसका मैंने वीडियो भी डाला था आप लोगों को अगर याद होगा तो। तो ये बड़ी अच्छी स्टोर है जहाँ पे बेकिंग का सारा सामान मिल जाएगा ए टू जेड। और मेरे को मेरी ना वेब क्रीम ख़त्म हो गई थी तो मैं वही लेने के लिए आई थी, और थोड़ा बहुत सामान मैंने और लिया है, तो घर चल के दिखाती हूँ। सो वी आर बैक होम, और बस फ्रेश होके चेंज वगैरह करके रेस्ट ना लेके अब इन सब कामों में लगो। सच में ये जो चीज़ें हुई है ना अभी पिछले एक साल से, पहले तो खुद को धो और फिर जो सामान आप लेके आए हो उसको धो। सच में इंसान आके रेस्ट करे ये सब करे, बट अब छोड़ो ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। तो अभी वही जो आम वगैरह लेके आई थी वो भिगो के रख रही हूँ, एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी, उसके बाद रखूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और कुछ सामान ज़्यादा हम सामान तो लेके नहीं आए थे, बस थोड़ा बहुत चलते फिरते जो मिला। ये दादे कुछ लेके आई थी, ये कुछ लड्डू के लिए ग्रोसरीज लेनी थी, लेकिन अभी ना शिफ्टिंग में ना इतना सारा सामान पहले का बचा है उसको पहले नज़र मारूँगी, कभी ऐसा ना हो जाए कि ग्रोसरी लेने गई और वही सारी सामान वापस से उठा के लेके आई, या फिर जो ज़रूरत की है वो ना लेके आऊँ। तो मैंने बोला एक बार पहले देख लूँगी उसके बाद ही कुछ और लूँगी। तो ये मैं लेके आई थी विप क्रीम, हमेशा मैं यही वाला विप क्रीम जो है वो यूज़ करती हूँ, ड्रोपोलाइट, और सबसे बेसिक वाला होता है, और ये मेरे ख्याल से 150-200 के अंदर आ जाता है, तो अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छा है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, अभी तक मैंने यही यूज़ किया है। और साथ ही साथ ये कुछ मैं स्प्रिंकल्स लेके आई थी, ये कुछ स्टार और कुछ जेम्स वाले शेप में, और ये कुछ जो नॉर्मल वाले जो होते हैं, बेसिकली जो है ये वाला ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं इसके 2 पैकेट्स लेके आई हूँ, और कुछ ये केक टैग्स लेके आई हूँ, और मुझे ना ये कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछली बार भी 2 लेके आई थी और ये कलरफुल मुझे काफ़ी क्यूट लग रहे थे, तो ये भी लेके आई हूँ। और साथ ही साथ मैं ये लेके आई हूँ ये आइसिंग बैग, मेरे पास एक था, ये रीयूजेबल वाला है। और चलिए अब सारे काम हो गए हैं, अब कुछ अपना ध्यान रखा जाए, अब बनाऊंगी नींबू पानी हम सभी के लिए। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो बस नींबू पानी पीते हैं। तो ये देखिए मैंने ये वाला सेक्शन है ना ये पूरा अपना बेकिंग का बना दिया है, धीरे धीरे अभी इसमें सामान और आएगा मेरा। तो ये वाला जो कैबिनेट है ये मैंने अपना बेकिंग का ही बना दिया है, और यहाँ मैंने इसलिए खोला है, एक तो सामान मैंने वापस रख दिया, और दूसरा ये पाउडर शुगर जो हमेशा मैं केक के लिए प्रिपेयर करके रखती हूँ ना, वो निकालना था मुझे यहाँ से। ये सच में पाउडर शुगर ना काफ़ी काम की चीज़ है, ये बेकिंग में तो काम आता ही आता है, और मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि ये बना रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना शरबत बनाते हैं हम लोग, रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, या कोई भी चीज़ें बनाते हैं उसमें थोड़ा बहुत ना ऐड करना पड़ता है शुगर, और अगर नॉर्मल शुगर हम ऐड करें तो उसको डिज़ोल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो पाउडर शुगर क्या है, बड़ा इंस्टेंटली हो जाता है काम इससे, कोई गेस्ट भी आता है अगर आपको शुगर ज़रूरत पड़े तो बहुत टाइम लगता है चीनी को डिसॉल्व करने में, और ये क्या एकदम काम आपका रेडी करता है। तो चलिए आप सब लोगों से बात करते करते नींबू पानी बन चुकी है, और नींबू पानी पीती हूँ और व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ कल। और होप करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।